चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो कुछ अजीब सा है। विच सेंटेंस शुड कम सेकंड इन द पैराग्राफ, समझ लीजिए जरा ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, पी क्यू आर एस जिसे बोलते हैं एक्चुअल में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके कई सारे तरीके हैं पूछने के, और एग्जामिनर पता नहीं कौन सा तरीका किस टाइम आपसे पूछ ले, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। कोई भी ऐसी बात वहाँ नई ना आए कि आपको उसे सोचने में ही टाइम लग जाए। 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड का बड़ा महत्व है। 0.25 की अगर मार्किंग नहीं मिली आपको तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, 100 बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो टाइम का महत्व समझते हुए मैं आपकी पेपर की परेशानी को इन्हीं वीडियोस के माध्यम से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये एक कहानी है। और इसके बाद फिर इसने नीचे सवाल कर रखे हैं कि सेकंड पे कौन सा आएगा, देखिए फोर्थ पे कौन सा आएगा, फिफ्थ पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, फर्स्ट पे कौन सा आएगा। तो इस कहानी को कैसे सोल्व करते हैं, इस कहानी को ऐसे सोल्व करते हैं जैसे पी क्यू आर एस करते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का अंदाज चेंज है इसका। तो आप इस कहानी को पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि विच वन ऑफ दीज शुड कम फर्स्ट, सबसे पहले ये ढूंढो कि पहले पे कौन सा आएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नंबर वन पे ई आएगा। आपने इसे सोल्व करते टाइम पढ़ ही लिया होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी कम करना, इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स। देखो, वन ऑफ के बाद में जो है नाउन भी प्लूरल है हमारा, ठीक है ना, ग्रामर भी सही चल रही है। तो गरीबी कम करना हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में से एक है। अब बच्चों, इसके बाद में जो मुझे सुटेबल लग रहा है वो ये है, द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि ये जो पॉवर्टी एलिविएशन गरीबी को कम करने का प्रोग्राम है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में से एक है। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, इस सफलता की सीमा, इस सफलता की हद, इस सफलता का विस्तार कैन बी सेंस्ड, समझा जा सकता है, व्हेन वी स्टडी द प्रोपोर्शन, जब हम उस अनुपात को समझें कि बिलो पॉवर्टी लाइन, कि गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। अब बच्चों, जब हमें यह समझना है, पहले इस बात को समझने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा बच्चों इसके बाद में नंबर तीन पे। इसने कहा है ना कि पॉवर्टी एलिविएशन महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में से एक है और इसकी सफलता नापी जा सकती है जब आप ये मेजर कर लें कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं। अब उसकी परसेंटेज देखते हैं हम, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, या क्या देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिक्रीजिंग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या घट रही है। आप यहां देखें कि घट रही है। अब जब ये घट रही है बच्चों, तो हमारे लिए तो एक ये एकदम से दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये करना नहीं है आपको, क्योंकि आप सोचोगे देयरफॉर इट इज़ ए वेलकम साइन, इसलिए ये एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अच्छा संकेत है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले ये आएगा। Although this change, कौन सा वाला change, ये तो कम हो रहा, गरीबी कम करने का एक प्रोग्राम है, महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में से एक, और इस प्रोग्राम की अगर सफलता को आप नापना चाहते हैं तो आप देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात देखो। और बच्चों, वो अनुपात, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो इसके बाद ये आएगा। हालांकि ये चेंज जो है स्लो तो है, धीरे धीरे भी है, फिर भी इट अपियर्स टू बी कंसिस्टेंट, ये अच्छी बात है, यानी कि बदलाव जो है वो हो तो धीरे धीरे रहा है लेकिन लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ गया फिर कम हो गया फिर, नहीं, बढ़ ही रहा है लेकिन हल्के हल्के बढ़ रहा, तो अच्छी बात है। ये बदलाव धीमा तो है लेकिन कंसिस्टेंट है। आपने सुना होगा, टीचर आपके बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपनी पढ़ाई में। आप कंसिस्टेंसी से हमारा मतलब ये होता है
कि चूहा और खरगोश और कछुए की कहानी को समझो आप। कछुआ कंसिस्टेंट था उस कहानी में, सफलता हासिल करके आगे पहुंच गया। खरगोश उसमें इनकंसिस्टेंसी अपनाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, कछुए की मजाक बनाता है और आराम करते करते जाता है, एक दिन नींद में खो जाता है और देखता है कि कछुआ अब बिल्कुल रेस जीतने ही वाला है। कोशिश भी करता दौड़ने की लेकिन नहीं पहुंच पाता, क्यों? कंसिस्टेंसी इज सक्सेस। तो कंसिस्टेंट अच्छा शब्द है, कभी से गलत लो आप। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आएगा ये आंसर हमारा। देयरफॉर इट इज अ वेलकम साइन, इसलिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट अवर एस्केलेटिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां बाकी बात खत्म हो गई, लेकिन हमें इस जनसंख्या बढ़ोतरी को भी, बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ोतरी को भी ध्यान रखना चाहिए, इसके खिलाफ भी हमें सतर्क रहना चाहिए। बात खत्म हो जाती है। अब आपका आंसर सेट हो जाएंगे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो कमेंट करो, फिर मैं आपको बात कर लूंगा आपसे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझे कि सर मुझे ये लगा, मेरा तो सिक्वेंस ये रहेगा। अब आप बताइए सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा बच्चों? तो सेकंड पे कौन सा है? ई, यानी कि आंसर कौन सा हो गया हमारा? पांचवा। आप ओएमआर शीट में ई लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन में तो ई नहीं आएगा, ये बैंक के एग्जाम का है, एसएससी के एग्जाम में चार ऑप्शन कर देगा, उसकी क्या टेंशन है, एक हटा देगा इसमें से कोई सा। आंसर ई है। फिर आते हैं बच्चों चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? तो चौथे नंबर पर कौन सा है बच्चों? हमारा डी। तो चौथे नंबर पर आंसर आ जाएगा हमारा डी। फिर पूछ रहा पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा? तो पांचवें नंबर पर कौन सा है बच्चों? बी। तो पांचवें नंबर पर आंसर कौन सा आएगा हमारा? बी। फिर पूछ रहा तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो तीसरे नंबर पर कौन सा है? ए। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ए। फिर पूछ रहा पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर सी था, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये हमारे पांच नंबर कन्फर्म हो गए। तो ऐसे भी पी क्यू आर एस आ सकता। तो जब आप सोल्व करो तो एक पेपर पे ए बी सी डी जो भी पी क्यू आर एस हो उसका आगे नंबर डाल दे करना, पहला दूसरा तीसरा, ताकि आंसर ढूंढने में बार बार चेक ना करना पड़े, टाइम बचेगा आपका। मेरा काम खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पांच क्वेश्चन हो गए आपके, अभी छठा आया है। देखो ए हेटर, हेटर होता नफरत करने वाला, नफरत करने वाला। ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, यानी कि जो सीखने से और नॉलेज से नफरत करता है। तो बच्चों मिस दिखाती है नफरत, लॉजिस्ट होती है पढ़ाई, आंसर हो जाएगा मिसोलॉजिस्ट। अब आते हैं इसके ऊपर, तो यह आ जाएगा ए लवर ऑफ बुक्स, जो ए लवर ऑफ बुक्स जो किताबों को प्यार करता हो, बिब्लियोफाइल। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो सिनोनियम बन जाएगा बुक लवर। इसका एक सिनोनियम और दे सकते हैं हम आराम से, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, किताबों में पड़ा रहता हमेशा, ठीक है ना। वैसे ये वन वर्ड जो है इसका आंसर है, ठीक है ना। अब इलिटरेट तो अनपढ़ हो गया, इसे हटा दो यहां से आप, जो पढ़ ना सके। अब बच्चों मिसोलॉजिस्ट के अलावा ये क्या है? तो इसमें गाइन है, तो ये होता है बच्चों गाइन में महिला होती है, ए पर्सन हु Hates woman। अगर सवाल ये आएगा तो आएगा हमारा आंसर misogynist। तो बच्चों अगर महिलाओं से नफरत करने वाला है तो misogynist। अब आती है बात, अगर इसको मैं philogynist कर दूं, फिल्म में मोहब्बत हो जाती है, ठीक है, प्यार हो जाती है, तो philogynist। तो बच्चों इसमें होता है a person who loves वुमैन। इसका मतलब महिलाओं से प्यार करने से मतलब है महिलाओं का भला चाहता हो, महिलाओं के लिए अधिकार चाहता हो, उसे बोलते हैं। तो ये हो गया फ्लोजनिस्ट। एक शब्द और दूंगा मैं अपने पास से आपको, ये हो गया हमारा मिसोगैमिस्ट। गैम ये शादी होती है, तो ये हो गया शादी से नफरत करने वाला, नफरत है इसमें शादी से नफरत करने वाला। तो मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत करने वाला, मिसोजनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला, मिसोलॉजिस्ट पढ़ाई लिखाई से नफरत करने वाला, फिलोजनिस्ट इसका एंटोनियम है महिलाओं से प्यार, महिलाओं का भला चाहने वाला। अब एक शब्द हम और लाएं अपने पास से, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप, एथ्रोप होता है बच्चों मानवता। तो जो मैनकाइंड से, जो मानव जाति से नफरत करता हो तो वो हो जाएगा मिसेंथ्रोपी। इसी का एक शब्द और होता है फिलैंथ्रोपी।
तो फिलैंथ्रोप जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा मनुष्य या मानव प्रेमी। मानव प्रेमी से मतलब ये है जो मानव का भला चाहता हो, ये बुरा चाहता है। तो ये मिसैंथ्रोपी अलग है और फिलैंथ्रोपी अलग है एंटोनिया में, ठीक है ना। हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी। एग्जाम्पल नंबर 7, बॉर्न। बड़ा मजे का शब्द है, काश ये वाला बॉर्न होता तो आंसर हो जाता हमारा टू टेक बर्थ। अगर बॉर्न होता ये वाला तो ये होता टेक बर्थ, जन्म लेना, लेकिन ये ई वाला है। इसका मतलब होता है बच्चों उठाकर ले जाना कहीं पर, कैरी करना किसी को। जैसे मान लीजिए डेड बॉडी है, जब मर जाते हैं लोग तो डेड बॉडी को कंधे पे लेके जाते हैं, तो वो ये वाला बॉर्न होगा। इसका ध्यान रखना, मैं इसके 4-5 यूज बता रहा हूँ आपको, सिनोनियम के अलावा यूज भी बता रहा हूँ। आपको लगे कोई मैच जीत गया, उसने अपने कप्तान को सब 10 खिलाड़ियों ने कंधे पर उठा लिया, तो वो भी क्या करा उन्होंने, बॉर्न करा। तो बॉर्न मीन्स वजन उठाना किसी चीज का, तो इसका आंसर कैरीड होगा। या इसका एक आंसर और हो सकता है ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड मतलब कंधे पर रख के आगे ले जाना। जब वर्ल्ड कप जीते थे धोनी की कप्तानी में, तो सचिन को अपनी टीम के सभी अपने भारतीय टीम के सभी सदस्यों ने कंधे पे बैठ के गोल को चक्कर लगवाया था, तो उन्होंने सचिन को क्या किया था, बॉर्न किया था अपने कंधे पर, ठीक है। एक बात और है, अगर आ जाए वाटर और बॉर्न और डिजीज, पानी से या मच्छरों से या किसी भी चीज से होने वाली बीमारी, तो वो बॉर्न ये नहीं होता, वो बॉर्न ये होता है, ठीक है ना। मतलब ये पानी बीमारी ले जाता है, मच्छर बीमारी ले जाते हैं, कैरी करते हैं अपने साथ बीमारी, तो ये आएगा वहां पर। चलिए जर्नी होती यात्रा, और तो प्रोड्यूस हो गया हमारा पैदावार करना। फिलहाल इसका आंसर चौथा है ये, ए बी। चलो आप सी लगा देना पेपर में, सी लिखा हुआ है इस पे, सी लगाना आप। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता आत्मसंतुष्ट। तो बच्चों आंसर तो हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन एक बड़ा बेहतरीन मैं आपको शब्द देता हूं, हो सकता है कि आपको पेपर में टकरा जाए, स्मग। स्मग शब्द भी सेल्फ सेटिस्फाइड ही होता है, तो कॉम्प्लेसेंट, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, ये इसके आंसर रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसका आंसर ग्रेटिफाइड भी दे सकते हैं, ग्रेटिफाइड भी संतुष्टि में आता है। आंसर हो गया हमारा 8वें का दूसरा, सिनोनियम चल रहा है ये। अगर बच्चों मुझसे पोलाइट की बात करो तो विनम्र, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा एक सिनोनियम वेल मैनर्ड, एक आएगा इसके लिए कर्टियस, कर्टियस, एक आ जाएगा इसके लिए हमारा जो है रेस्पेक्टफुल, जिसके दिल में, देखो ये भी एक चीज समझने की है, रेस्पेक्टेबल नहीं आएगा यहाँ पे, ये रेस्पेक्टफुल आएगा जिसके दिल में इज्जत हो दूसरों के लिए, यानी कि व्यवहार में बहुत अच्छा होता है ये, इसका मतलब ये है। चलिए ये इसके सुनोनिया में, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फारेनहाइट, एफ दिखा देता हूं आपको मैं, ए एच फा रेन फारेन हाइट। अब हाइट यहां पे ऊंचाई वाली मत कर देना, ये होती है फारेनहाइट, ठीक है ना। आंसर हो गया हमारा पहला, सही स्पेलिंग यही है। वी आर हैप्पी टू ब्लैंक द रिसिट। देखो बच्चों जब आपने कोई रिसिट हासिल कर ली इस बात के ऊपर कि हाँ भाई इतना इतना सामान आपको भेजा गया है, या इसका दूसरा रूप बताऊं आपको, जब आपके पास किसी ने कोई मैसेज किया और उसने कहा यार देख लो तो जरा मुझे रिप्लाई कर देना, अब आपने उसके बाद जब रिप्लाई करा तो वो जो काम करा रिप्लाई का, ठीक है मुझे मिल गया, ये भी एक्नोलेज करा। तो एक्नोलेज क्या है, किसी के द्वारा कोई सामान भेजा गया हो उसकी रसीद मिल जाए और ये कह देना कि भैया हाँ मुझे रसीद मिल गई है, इसे बोलते हैं एक्नोलेज, हाँ कह देना कि भाई मेरा काम हो गया है। तो इसका ध्यान रखना ज़रा, रिसिट का आंसर आएगा इसका एक्नोलेज। रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना होता, नहीं आएगा। एडमिट स्वीकार करना होता, एक्सेप्ट भी स्वीकार करना होता। इन दोनों में फर्क ये है बच्चों, अगर किसी हॉस्पिटल में, अगर किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो वो जो एडमिट करते हैं आपको वो ही आएगा। लेकिन एक्सेप्ट में क्या करते हैं, किसी के द्वारा दिया गया ऑफर हो, इनविटेशन हो, एप्लीकेशन हो, प्रपोजल हो, इन्हें एक्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है ना। एक्सेप्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनियम है हमारा रिजेक्ट, ध्यान रखना इसका, ठीक है आप। चलिए फिलहाल आंसर तीसरा है। खास बात यह है इसकी कि जो रिसिट होती है उसको हम एक्नोलेज करते हैं,
तो वी आर हैप्पी, हम खुश हैं टू एक्नोलेज द रिसिट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 4071 डेटेड 13/3/96। तो 13/3/1996 तारीख पड़ी हुई है, 4071 उसका ऑर्डर नंबर है और हमें ये रिसिट प्राप्त करके खुशी हुई, हमें अच्छा लगा, तो आंसर लगा देंगे एक्नोलेज। कॉवनेंट, ये तो बच्चों एक जो है समझौता होता है। यह इसे सौदा भी बोल सकते हैं आप, डील भी कह सकते हैं इसे। फिलहाल मेरा तो सिनोनियम कौन सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बताया था मैंने कल इसके बारे में, वर्ब होगी तो सिकुड़ना और नाउन होगा तो यही समझौता या सौदा, तो आंसर सी हो गया। अच्छा जब ये वर्ब होगी तो क्या होगा, श्रिंक, डिमिनिश या रिड्यूस। ठीक है ना, चलिए फिलहाल यहाँ आ जाओ आप। अच्छा समझौते की बात करें तो इसके और सिनोनियम क्या हो सकते हैं, इसके और सिनोनियम हो सकते हैं बच्चों डील या अकॉर्ड या पैक्ट भी होता है, पैक्ट या बार्गेन भी हो सकता है, बार्गेन सौदेबाजी इसी में आ जाएगा, वो भी सब सिनोनियम है। ये बढ़िया सिनोनियम इसका ये तक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कैश की, कूपन की, सेटलमेंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है ना, आंसर हो गया तीसरा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, आज का नया सवाल है, ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता। फाइंड आउट द सेंटेंस विच हैज एन इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड। ये हमारे पास चार एग्जाम्पल हैं, एग्जामिनर भी ऐसा पूछ सकता आपसे कि भैया चार एग्जाम्पल हैं, मतलब चार सेंटेंस दे देगा वो, एक सेंटेंस नहीं चार सेंटेंस, और कहेगा इसमें गलत वाला ढूंढ लो, या उल्टा कर सकता है, ये कह सकता कल को वो पूछूंगा, क्या पता ऐसे पूछ ले कि सही वाला बताओ कौन सा इन चारों में। तो हम इसे पूछा गया इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड किस में किया गया है, तो देखते हैं। देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव का सिनोनियम होता है ऑप्शन। चलिए फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, उसे जेल जाना ही है, उसे जेल जाना चाहिए, कोई गलती नहीं है बच्चों, हमारी नजरों में तो कोई गलती नहीं है, आपको लग रही हो तो आप बात कर सकते हैं हमसे। कोई विकल्प नहीं है, उसे जेल जाना ही है, उसे जेल जाना ही पड़ेगा, उसे जेल जाना ही चाहिए। आई लाइक द चाइल्डिश सिंप्लिसिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र की जो सादापन है, सिंप्लिसिटी है, वो पसंद है, तो ये चाइल्डिश तो गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ दो साइड में आंसर हो गया हमारा बी, जो थोड़ी है वो तो सही था, मतलब वो आंसर हमारा ये है क्योंकि इसमें गलत है, आंसर ये है। तो बच्चों चाइल्ड होता लाइक के साथ में तो ये होता है मासूम, भोला भाला, ये तारीफ में आता है, ये पॉजिटिव अच्छे मीनिंग में है ये, और एक आता है हमारा चाइल्डिश, बच्चों ये होता है बचकाना, इसमें बदतमीजी होती है, ये निगेटिव। अच्छा एक बात और है, ये निगेटिव शब्द नहीं है, ये निगेटिव एहसास रखता है, मतलब इसमें बुराई होगी ये कहना चाह रहा हूँ मैं, पॉजिटिव एहसास से मतलब यह है इसमें तारीफ होगी, ये निगेटिव नहीं है, जैसा अनलेस होता है, हार्डली होता है, स्केर्सली, ऐसा नहीं है ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये बुराई है और ये तारीफ है ये समझ लो आप। तो बच्चों यहाँ नहीं चल पाएगा, यहाँ आएगा हमारा चाइल्ड लाइक, नंबर मिल गया हमें पूरा, तो ये वर्ड पावर थी आपकी और ग्रामर भी लग गया इसके अंदर। तो आई लाइक द चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, अगर वो बुराई करता है यहाँ पे तो चाइल्डिश आता, आंसर हो गया खत्म। ये ही लेक्चर्स वर में यहाँ पे ही लेक्चर्स ऑन अल्टरनेट का मतलब होता एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, मतलब ये समझ लीजिए कि वो लेक्चर देता है अल्टरनेट डेज पर, मींस मंडे के दिन दे दिया तो ट्यूसडे में नहीं देगा, वेडनेसडे में देगा, वेडनेसडे में दे दिया तो फिर थर्सडे में नहीं देगा, फिर वो फ्राइडे में देगा, यानी कि एक दिन छोड़ के करता, तो सही है बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल। हिज ह्यूमिलिटी, उसकी जो बदतमीजी है, सॉरी हिज ह्यूमिलिटी हैज अर्नड हिम मैनी एडमायरर्स, जो ह्यूमिलिटी है ना बच्चों, ये विनम्रता या मतलब कि लोगों से अच्छे से मिलना, इस चीज ने उसके कई सारे प्रशंसक बना दिए, ये बढ़िया चीज है अर्न मैनी एडमायरर्स। देखो एक चीज दिखाता हूँ, अर्न फेम भी होता, यहाँ पे वो व्यक्ति आ जाएगा जिसे ये फेम मिलेगी, अर्न व्यक्ति फेम, और अर्न और व्यक्ति
और प्राइज भी आ सकता है यहाँ पे, यानी कि जीतना या कमाना एक ही मीनिंग है। तो हमारा जो शब्द गलत था वो दूसरा था, चाइल्डिश हट के चाइल्ड लाइक होगा। ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, देखो ए लार्ज मेजोरिटी हो, द मेजोरिटी हो या ए मेजोरिटी हो, जब आपको लगे ए मेजोरिटी ऑफ नाउन, द मेजोरिटी ऑफ नाउन, ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ नाउन, तो नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाया करो आप। ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर अब्सेंट, मतलब बड़ी संख्या में छात्र, छात्रों की बात चल रही है, बहुत बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित थे कल कॉलेज से। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जब ये वर लग जाएगा यहाँ पे हमारा, ये लग गया वर, तो ये अब्सेंट नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा ये नियम क्लास में पढ़ा हो कि अब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एवेल, एवेंज, रिवेंज, एक्विट, अगर मेन वर्ब हो, एक्टिव वॉइस में हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिफ्लेक्सिव के साथ आना, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव निकल गई, वर्ब नहीं है ये। ध्यान आया कुछ? आंसर हो गया पहला क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, नॉलेज से भरपूर है, देख लो। आप ये बताओ फर्म्स हैं, तो ये तो प्लूरल नाउन हो गया, और बच्चों नाउन अगर प्लूरल है तो अमाउंट नहीं आएगा। नोट कर लो इसे, नोट डाउन कर लीजिए साहब, बढ़िया रहेगा आपके लिए ये। अमाउंट तो अमाउंट के लिए आएगा, मनी हो, हनी हो, मिल्क हो, वाटर हो, इन चीज़ों के लिए आएगा, ये तो संख्या है बच्चों, नहीं आएगा ये। अगर मैं ग्रेट डील ऑफ लगाऊं तो इसका आंसर ध्यान रखना, डील का यूज भी ये कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा मजबूरी हो अगर आपकी तो आप इसे काउंटेबल के साथ ले सकते हैं, वैसे ये कहा जाता ए ग्रेट डील ऑफ और अनकाउंटेबल नाउन, ये ऐसा कहा जाता है, नोट कर लेना इसे। अगर मैंने करवाया हो तो मजबूरी में हो जाएगा, लेकिन असली आंसर यही है, मतलब असली बात यही है। अच्छा अगर पार्ट की बात कर दूं तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन एक परेशानी है, ए लार्ज पार्ट ऑफ नाउन, अगर ऐसा होगा तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आएगी। ये पार्ट का जो मामला है या पेयर होता है यहाँ पे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से आती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब रखी हुई हमारी फर्म्स के हिसाब से, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके हिसाब से रखी हुई है। अच्छा अगर यहाँ पे अमाउंट लग सकता था तो यहाँ पे हनी होता, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती। अगर होता है ए ग्रेट डील ऑफ मनी, ए ग्रेट डील ऑफ वाटर, ए ग्रेट डील ऑफ ज्वेलरी, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती, लेकिन ये ए लार्ज पार्ट ऑफ जो है अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में कर नहीं पाऊंगा ऊपर, तो मेरा जो आंसर है बच्चों वो ये बन जाएगा, क्योंकि ए ग्रेट मैनी फर्म्स आर। अब अगर आप ये सोच रहे हो सर मैनी के साथ तो ए होने पर सिंगुलर आता, ये सही आंसर हो गया, ये मैनी के साथ अगर ए यहाँ हुआ तो है वो नियम, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ए यहाँ थोड़ी है, ये तो पहले है। ए ग्रेट मैनी फर्म्स आर हैविंग ट्रबल विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक बात और बताऊँ आपको, ये इंडस्ट्रियल बहुत बढ़िया लगा हुआ है, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियस होता तो गलत होता, क्योंकि वो सही है, ये होता है मेहनती, इसका यूज तब करना जब किसी को मेहनती दिखाना हो। तो ए ग्रेट मैनी फर्म्स आर हैविंग ट्रबल विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बड़े पैमाने पर फर्म्स को परेशानी हो रही है औद्योगिक रिश्तों में, आंसर चौथा बन जाएगा। परनीसियस होता है हानिकारक, परनीसियस क्या होता है बच्चों? हानिकारक। सिनोनियम बनाएंगे हम इसके तो बनेगा डेट्रीमेंटल, सिनोनियम बनेगा हार्मफुल, हार्मफुल तो बनी गया था, इंजूरियस, एंटोनियम बनाओगे तो बनेगा इसका कंड्यूसिव या बेनिफिशियल। चलिए ये हमने इसकी वर्ड पावर लिख ली, जरा ये बताओ परनीसियस का क्या पूछा गया? एंटोनियम, ये तो सिनोनियम है, हटाओ इसे। डेडली होता प्राण घातक, जिससे जान चली जाएगी, हल्का सा मीनिंग है लेकिन सिनोनियम का मीनिंग है, मीनिंग है हल्का सा लेकिन सिनोनियम का। इसका सिनोनियम पता क्या है डेडली का? फैटल, डेडली का सिनोनियम। तो ये भी नुकसानदायक ही है बच्चों। प्रमोट का मतलब होता है प्रमोट करना, मदद करना, यानी कि ये लाभदायक है।
फिर मोटिव लाभदायक होता, आंसर हो गया सी। इम्प्रैक्टिकेबल होता, जो व्यवहार में नहीं ला सकते हो, बस थ्योरी थ्योरी में रहेगा। अब आते हैं एक्स्ट्रावेगेंट पे, तो एक्स्ट्रावेगेंट होता खर्चीला, तो इसका सिनोनियम बनेगा प्रोडिगल, इसका सिनोनियम बनेगा स्पेंडथ्रिफ्ट, इसका सिनोनियम बनेगा आपके लिए लेविश, ठीक है ना, या वेस्टफुल। सिनोनियम है सभी है। चलिए, इसकी जरूरत तो हमें है नहीं, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आंसर कौन सा हो गया था हमारा, सी। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग, बच्चों ये इसकी विशेषता बता रहा है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप बताइए, और यहां देख लो आप, न्यूज हो, मैच हो, रिजल्ट हो, बिहेवियर हो, या जो है आपका कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, न्यूज, मैच, रिजल्ट, बिहेवियर, रिपोर्ट लगा दो एक बार और फिर से। तो बच्चों यहाँ आंसर लगाने हैं आपको, यहाँ आंसर लगाने हैं। तो बच्चों यहाँ जो आएंगे इनके लिए, ये नाउन है, तो जो एडजेक्टिव आएगा वो इनके लिए आएगा ना, और ध्यान रखना, खबर अगर बतानी है कैसी है तो शॉकिंग होगी, अलार्मिंग होगी, सरप्राइजिंग होगी, यही आएंगे। सरप्राइज्ड, अलार्म्ड नहीं आ सकते, क्योंकि ये चौंकाने वाली है दूसरों को, और जो लोग चौंकेंगे वो शॉक्ड होंगे, अलार्म्ड होंगे, तभी तो आप हमेशा यही बोलते हो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, कभी आप ये नहीं बोलोगे आई एम इंटरेस्टिंग इन मूवी, गलत बात है तो आपकी। आप अगर हैं कुछ, व्यक्ति अगर कुछ है तो पास्ट पार्टिसिपल, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज सरप्राइज्ड, शी वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज, इस टाइप की बात आएंगी पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब चीजों के लिए आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वो चौंकाने वाली है दूसरों को। यहां आंसर लगाओगे तो शॉकिंग आएगा, शॉक्ड नहीं आ सकता यहां पे। यहां आंसर लगाओगे एक्साइटिंग आएगा, एक्साइटिंग मैच, एक्साइटेड नहीं आ सकता है, या इंटरेस्टिंग आ जाएगा। यहां लगाओगे तो यहां आएगा सरप्राइजिंग रिजल्ट, आई एन जी में। यहां लगाओगे तो आएगा बच्चों यहां पे आपके लिए, लगा सकते हैं आप यहां पे सेटिस्फाइंग बिहेवियर भी लगा सकते हैं, संतुष्ट करने वाला व्यवहार, और कुछ भी लगा सकते हैं आईएनजी में। और यहां लगाएंगे तो वही अलार्मिंग, मतलब कुल मिला के प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। मेरा सेंटेंस जो है बच्चों वो नो एरर है। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स, यहां पे नाउन है, कोलैप्स क्या है बच्चों यहां पे नाउन। तो बिल्डिंग के ढहने की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने हर किसी को स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध कर दिया, सब चौंक गए, सबका मुंह खुले का खुला रह गया, बाकी कोई सा भी नहीं आ सकता। बच्चों ये तो अगर एरर में भी हो ना, आपको नंबर दे देंगे, ये काट दो, अलार्मिंग कर देना, और बाकी सब भी बेकार की बातें हैं। आप आगे चलें हमारे साथ, कुछ है अपने आप में, इसे लगा देता अगर मेरे पास ऑफ होता, यानी कि अगर यहां ऑफ होता तो मेरा आंसर चौथा था, फिर मेरा आंसर चौथा था अगर ये होता तो। द स्पीच फुल ऑफ, अब थोड़ी सी प्रीपोजिशन देख लो जरा साइड में, अगर फुल हुआ करे तो ऑफ आता है, लेकिन अगर फिल्ड हो, लेकिन अगर इन्फेस्टेड हो, लेकिन अगर थ्रॉन्ग्ड हो, लेकिन अगर कवर्ड हो, लेकिन अगर डिप्लेट हो, सॉरी डिप्लेट नहीं रिप्लेट है, तो यहां लिख देते हैं, एक साथ चलानी है विद वाली मुझे, रिप्लेट हो, तो बच्चों इन सब के साथ आती है विद, और इसके साथ आती है ऑफ, तो ये तो बेचारी भाग गई यहां से विद को देख करके। फॉलोड लगाऊं अगर मैं द स्पीच फॉलोड, तो बाय आता है इसके बाद में, फॉलोड बाई समवन, फॉलोड बाई समथिंग, किसी के द्वारा अनुसरण किया जाना, गलत हो गया ये भी, वहां नहीं है। अब बच्चों स्टार्टेड का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक बात और भी है, अगर स्टार्टेड लगाओगे भी, मान लो चलो मान लेते हैं कि विद आ गया, तो क्या करोगे सुनो, द स्पीच स्टार्टेड विद सबल थ्रेड्स, वो भाषण जो छोटी मोटी धमकियों के साथ शुरू हुआ हैज रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड टेंशन। एक बात बताओ, धमकी दी जा रही है तो टेंशन कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ।
अपने भाषण में कोई व्यक्ति धमकी दे, अगर धमकी से शुरू कर ले मान लो, तो टेंशन जो होगी लोगों की धमकी से कम होगी, ज्यादा होगी तो कम हो रही है, टेंशन बढ़ेगी उनकी। आ दो यहां पे, रिप्लेट के साथ विद आती है। और बच्चों ये देख लो आप, वो भाषण जो धमकियों से भरा हुआ था हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड टेंशन इन द सेंसिटिव एरियाज ऑफ द सिटी। शहर के संबंधी संवेदनशील इलाकों में टेंशन बढ़ गई जब धमकी भरे भाषण दिए गए। ये इसका आंसर है बच्चों, रिप्लेट विद, ध्यान रखना इसका। चलिए, स्क्वेंडर होता है फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्च करना यानी कि वेस्ट या स्पेंड रेकलेसली, लापरवाही से खर्च करना, ठीक है, इसका ही अर्थ आएगा। अच्छा हमें बताना, एंटोनियम तो प्रिजर्व आएगा, ये होता है संरक्षित करके रखना या बचा कर रखना, इसके सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो इसका सिनोनियम है हमारे पास में कंजर्व, प्रोटेक्ट, सेव, ठीक है ना। चलिए आंसर हो गया हमारा चौथा। अगर बात करें हम इसकी डिपार्ट की तो ये होता है चले जाना, तो इसके लिए आएगा गो ऑफ, इसके लिए आएगा लीव, इसके लिए ये भी आ जाएगा टेक, वंस लीव, चले जाना कहीं से, ठीक है ना। चलो, फॉरफिट का मतलब क्या होता है, फॉरफिट का मतलब होता है बच्चों जाली नहीं है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा हल्का सा सजा देने टाइप का, सजा देना गलत काम की वजह से, ठीक है। अच्छा, फोर्टिफाई की अगर बात करूं मैं, एक मिनट रुक जाएगी जरा, इसका मीनिंग रोक देना आप, ठीक है, इसको मत लिखना, बाद में समझाऊंगा, दिमाग से स्लिप हो गई बात वरना सही नहीं है। यहाँ आ जाओ, फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना, इसके कई सारे शब्द हैं, उसमें मेरा दिमाग थोड़ा इधर हो गया, मजबूत बनाना बता दूंगा बाद में, फिलहाल इधर देखो आप। तो मजबूत बनाने के लिए सिनोनियम क्या बनेंगे बच्चों इसके, स्ट्रेंथन, या इसका मतलब इसका भी प्रोटेक्ट बन जाएगा, प्रोटेक्ट, ठीक है। तो फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत बनाना। एक बात और कहूंगा मैं आपसे, फॉरफिट मैंने पहले ही बताया, सॉरी फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का मतलब जब पुराने राजा महाराजा अपने किले की दीवारों को, अपने महल की दीवारों को बहुत ऊंचा उठाते थे कि अंदर लोग ना आए, तो वो अपने किले को मजबूत करते थे, फोर्टिफाई। एक बार जब आप सुबह नाश्ता करते हो इतना ज्यादा कि दोपहर को लेट भी खाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पेट भर गया, ताकत मिलेगी उससे, फोर्टिफाई कर दिया उसने, आपने उस खाने ने आपको फोर्टिफाई कर दिया, आंसर लगा देंगे चौथा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, नियोफाइट होता है बच्चों नया नया सीखने वाला, नया नया सीखने वाला, इसका सिनोनियम क्या है, इसका सिनोनियम एक तो बहुत बढ़िया है अप्रेंटिस, जब बच्चे बीटेक या पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं तो अप्रेंटिस दी जाती है उन्हें, ट्रेनिंग दी जाती है शुरुआत में, बिगनर, देखो बिगिन में ये होता लेकिन बिगनर में डबल एन आता, या नोविस, नोविस, या टायरो, या न्यू कमर, या न्यू लर्नर, कई सारे सिनोनियम हैं इसके, ये सब इसके सिनोनियम बन जाएंगे। अगर बात करें एंटोनियम की तो एंटोनियम बनेगा इसका वेटरन, ये होता अनुभवी। अब जरा इसके सिनोनियम दिखाते हैं आपको, एंटोनियम हो गया वेटरन, तो इसके लिए बन जाएगा बच्चों पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है जो पहले से चीजें, पास्ट मास्टर, एक होता ओल्ड हैंड, एक होता एक्सपर्ट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं बच्चों वायलेंस, तो ये तो हिंसा होती है, हिंसा, इसको छोड़ दो, क्या करोगे इसका आप, लेकिन डेस्पेरेडो को बताऊंगा मैं बच्चों, डेस्पेरेडो होता है क्रिमिनल,
डेस्पराडो क्रिमिनल, या इसके लिए बन जाएगा बैंडिट, डाकू होते हैं डाकू, बैंडोलरो, बैंडोलरो डाकू होता है, और डेकोइट, ये सब डाकू हैं, ठीक है। अच्छा अभी बताया था मैंने आपको प्रोडिगल खर्चीला होता है, तो इसके सिनोनिम पीछे लिखवाए हैं, अभी देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। प्रोडिगल के बोल देता हूँ, वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश। चलिए नियोफाइट का आंसर कौन सा हो गया हमारा, वेटरन, एग्जाम्पल 17। द मेंबर्स ऑफ द, देखो 17 नहीं है, एग्जाम्पल 22 है, वो मैं स्लाइड देख रहा हूँ, 17 बोल देता हूँ, 20 है, सॉरी है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो तो मैं बता दूं आपको, ये वॉइस है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर एदर बाय कंसेंसस और बाय वॉइस वोट। अब आप ही बताइए, इलेक्ट में तो डू है ना, मैं लिखना भूल गया था इस पर, आप इसे यहां से कर लीजिए, शायद उसमें जो पीडीएफ है उसमें भी नहीं पहचान पाए होंगे आपको। तो ये एक्टिव का पैसिव बनाना है हमें। अब बच्चों जब इसमें डू है तो हमें ढूंढना इज एम आर हैज बीन गलत, और एक तो ये हो सकता, देख लेंगे इसे अभी, एक ये गलत हो गया। अब आप ये बताओ, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर एदर बाय कंसेंसस और बाय वॉइस, तो ये बताओ जो द ग्रुप लीडर है इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। अब यहां आओ, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बताओ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ पे भी सब्जेक्ट रहेगा, आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका, पहला, क्योंकि ग्रुप लीडर यहाँ बनेगा और मेंबर्स वहां जाने चाहिए थे। तो ये एक्टिव पैसिव था, पहले में हैज बीन गलत, तीसरे में वाज गलत, इस बढ़िया है, आर गलत है, क्योंकि ये जो शुरू में रखे हुए हैं इन्हें तो वहां जाना था ना ऑब्जेक्ट की तरफ को, ये गलत है हमारा आंसर, आंसर हो गया दूसरा। ये भी एक्टिव पैसिव है, ये भी बच्चों एक्टिव पैसिव है, वॉइस। चलिए, द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज, अच्छा ये पास्ड अवे इंट्रेंजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, मरना होता है ये, तो लेखक जो अभी अभी हाल ही में मरा है, हैज ऑथर्ड ए डोजन नॉवेल्स एंड ए नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस, तो अब आगे देखेंगे तो हैज का तो हैज बीन ढूंढो और हैव बीन ढूंढो, इसे काट दो वर्ब को, ठीक है इसे काट दो। अब बचे हमारे पास में ये और ये, इसमें से देखते हैं क्या आएगा, तो इसमें हैव बीन हो सकता है, इसमें हैज बीन हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, जो सब्जेक्ट है हमारा ए डोजन नॉवेल्स, एक दर्जन उपन्यास, और बड़ी संख्या में कलेक्शन है पोयम का, तो बच्चों आंसर तो प्लूरल आएगा, ये गलत हो गया, आंसर आएगा हमारा बी, क्योंकि हैव बीन बढ़िया इसके अंदर। एग्जाम्पल ने हु नाउ दे हैड आस्क्ड विल लिसन टू योर ट्रबल्स, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप जानते हैं ये तो दिखने में लगता है नरेशन है, तो नरेशन चेंज करना था आपको। अब मुझे बता दो आप, विल लिसन है तो क्या होगा इसका, वुड, तो बच्चों एक तो ये काट दो आप, ऐसी तो करा करो पेपर में आप, एक ये काट दो आप, दोनों गलत, क्योंकि विल का तो वुड होना निश्चित है, क्यों होना है, क्योंकि हैड आस्क्ड दिया हुआ है, घटना बाहर की पास्ट में है, तो अंदर वाली जो मॉडल्स हैं वो पास्ट का रूप लेंगी। अब आते हैं हम आगे, तो दे सही है, हैड सही है, वांटेड टू नो, कोई बात नहीं, आस्क्ड का वांटेड टू नो कर दो, सही है। अब आते हैं हु वुड, वुड, लेकिन एक बात बताओ, हु के बाद में जो नाउ था उसका इसमें देन क्यों नहीं करा, इसमें करा है, आंसर हो गया दूसरा, ऐसे ही पेपर में करना आपको, ये हमारा गलत हो गया। इडियम फ्रेजेस देख लीजिए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट ए सिंगल टाइम, मतलब दोनों ही जगह के मजे लेना, बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों ही जगह के मजे लेना, तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, Enjoy different opportunities at a single time. एक ही समय पर दोनों मजे लेना, इसका मतलब ये भी होता, एक हाथ में, सॉरी दोनों हाथों में लड्डू होना, इसका मतलब ये भी है, आंसर आएगा दूसरा। A blessing in disguise, मुझे ये idiom बहुत ज्यादा पसंद है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना आप, ये क्या होता है बच्चों, A blessing in disguise का मतलब होता है, दिखने में तो लगती है कि काम नहीं आएगी, लेकिन टाइम आने पर बड़ी काम आती है, मतलब लगती अनलकी है, साबित होती है लकी, आंसर आएगा इसका बच्चों पहला। फेवरेबल सिचुएशन अंडर द प्रिटेंस ऑफ एन अनलकी वन, मतलब लगती ऐसी थी बहाने में जैसे बेकार हो, लेकिन ठीक ऐसी फेवरेबल, बढ़िया थी, बाकी सब यहां पे गलत है। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, चीजें हासिल करने में लगे रहना मेहनत से, जैसा आप लगे हुए हो,
जैसे हम लगे हुए हैं कि आप कुछ हासिल कर लो जिंदगी में। बातें खत्म हो गई, बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।